चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। यहाँ चार सबसे बढ़िया अस्पताल। इससे पहले लोग यहाँ लोग इंदर ठेकेदार उन्हें 5 साल तक अपना दरवाजा खोल कर नहीं देखा। अब कोई जनता तेरे गांव में मरे अब या जीवे। जनता के मुद्दे है गांव से पानी की निकासी हो, कन्या डिग्री कॉलेज हो। सीसे में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में है और बागपत जिले की नगर पंचायत दोगढ़ में आज हम यहाँ हैं। मैं आपको बता दूं कि जिला बागपत में 11 मई को वोटिंग पड़ना है नगर पंचायत चुनाव को लेकर, और हम ये दोगढ़ का ये मेन बाज़ार है, बाज़ार में हम लोगों से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि नगर पंचायत में चुनाव को लेकर किस तरह का माहौल बन रहा है। मैं आपको बता दूं कि निर्दलीय तौर पर यहाँ बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में हैं और भाजपा से भी यहाँ प्रत्याशी मैदान में है उषा रानी जी, और बाकी पार्टियों से यहाँ किसी उसी तरह से कोई सिंबल नहीं मिला है। कई लोग निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। यही पता करेंगे कि कैसी सुविधाएं हैं कस्बे में, क्या लोग चाहते हैं, क्या राय बन रही है आपकी। जी नमस्कार बाबू जी, क्या नाम आपका? यासीन। यासीन जी, क्या लग रहा है चुनाव है आपके यहाँ? भाई चुनाव, हम तो दिल्ली रहते हैं, हमें तो पता नहीं कुछ। वोट नहीं डालते? नहीं यहाँ हमारे वोट है ही नहीं। अच्छा चलिए, क्या नाम आपका? क्या नाम? रविंद्र नाम। रविंद्र भाई, क्या लग रहा है चुनाव है आपके यहाँ, किस तरह का माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है, सुख बढ़िया है, शांति है, ना कोई भेदभाव है, अपना ये प्यार मोहब्बत से रहे और अपना जुट के एक साथ लग रहे, ये अपना है। तो क्या कितने लोग मैं चुनाव लड़ रहे? तीन अभी तक। तीन ही हैं। किन में नजर आ रहा कि टक्कर किन में? अभी तो टक्कर तीनों में बराबर है, और तो इलेक्शन के बाद पता चलेगा। सुविधाएं कैसी है कस्बे? सुविधा बहुत अच्छी है, और अपना जो मतलब जिस जो चेयरमैन है अपने अच्छी तरह से काम स्वस्थ तरीके से करा देते हैं। कस्बे में आपके सुविधाएं कैसी है? आप तो बाजार में रहते हैं, पानी की निकासी सफाई का मामला कैसा? सब बढ़िया है जी, लोग चेयरमैन ने ठीक करवा रखा जी, काम किए पिछले जो चेयरमैन। हाँ काम किया बढ़िया। चलिए आप कैसी कौन सी और सुविधाएं चाहते हैं कस्बे में, चेयरमैन कोई भी रहे आगे, आप अपनी तरफ से जनता के लिए आप क्या सुविधाएं? कोई गुंडागर्दी ना हो, बेचारे गरीब है, कुछ नहीं, हम तो कोई बात नहीं, हमारे कोई कमी है नहीं, बस गरीब बेचारे कोई तंग ना करे। तो अभी तक हुई ऐसी चीजें? पार्क यहाँ चार सबसे बढ़िया अस्पताल चाहिए लेडीज। आने जाने की सुविधा कैसी? आने जाने की बढ़िया जी, अस्पताल होना चाहिए यहाँ, जो सुविधा होनी चाहिए वे नहीं है। हॉस्पिटल में जो सुविधा रोड पर हो जा लेडीज, सबसे बड़ी दिक्कत है लेडीज हो जाना यहाँ, वो बहुत बढ़िया यहाँ है नहीं। क्या नाम आपका? मनीष। मनीष भाई, क्या लग रहा कस्बे में चुनाव चल रहे हैं, नगर पालिका चुनाव जोरों से चल रहा है, पूरे हड़द उतर रहे। अच्छा हाँ, तो जनता के जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दों पे बात। जनता के मुद्दे है गांव से पानी की निकासी हो, कन्या डिग्री कॉलेज हो, साफ सफाई हो, बहुत काम है। सुविधाएं है दोगढ़ पंचायत में? नहीं सुविधा तो कुछ भी नहीं मिल रही अभी, अभी तो सुविधा कुछ नहीं है। जैसे कई लोग कहते हैं भाई पंचायत के काम होते हैं, अच्छा सुबह को एक पार्क की व्यवस्था हो या स्टेडियम हो। हाँ स्टेडियम भी चाहिए, पार्किंग भी चाहिए, सब चीज़ चाहिए। तो लोग यहाँ, ये भी खेती किसानी का एरिया है, लोग दौड़ते होंगे, नौजवान लोग। हाँ नौजवान है, खेल का मैदान है। खेल का मैदान नहीं है यहाँ से, वो भी जरूरी है, बहुत चीज़ जरूरी है। देखो कौन करेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। जैसे कस्बे के और मसले होते हैं भाई, बड़े बुजुर्गों की पेंशन का मामला हो, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, ये चीज़ बननी जरूरी है सबके लिए, जो कराएगा उसे वोट देंगे। तो एक बात ये है जी जो मैं कहना चाह रहा, ये सबसे मेन जो बात है, जो यहाँ के जो तालाब है सारे भरे हुए हैं, उनकी सफाई का भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जो भी चेयरमैन बने आने वाले चेयरमैन, इन्हें जो है तालाबों की सफाई होनी जरूरी है। पेंशन का भी मुद्दा ज़्यादा जरूरी है, बहुत से जो विधवा पेंशन है और पेंशन है जो बड़े बुजुर्ग है, ये भी होनी जरूरी है। जैसे आप बाजार में खड़े हैं, बाजार में नालियों की सफाई होती है? नहीं वो तो हो जी, पानी निकासी की कोई व्यवस्था? वो तो होती है, लेकिन ऐसा है ना जब जोड़ भर जाएंगे तो उसमें फिर कुछ और कोई कर्मचारी क्या कर पाऊंगे, तो बड़ा मसला है।
क्योंकि देखो हाँ निकासी में भी प्रॉब्लम है, वैसे हमारे यहाँ पाइप दबे हैं, लेकिन सबसे मेन चीज जो आ रही है वो जोड़ की सफाई की है। चलिए आप बुजुर्ग है कस्बे में, काफी पहले से जानते होंगे, पहले ही हुआ आपने बड़ा होते हुए देखा है कस्बे को, अब पहले ही आपके हिसाब से क्या क्या सुविधाएं अभी कस्बे में होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए होगा देखा जाएगा। पूछो क्या नहीं हुई अभी तक, पूछो अच्छा क्या नहीं हुई है बताइए। चलिए बेकार हम तो कभी पैदा हुए थे, जब वैसे कच्ची थी सड़कें पक्की होंगी, ये तो बात जरूर है। उसको रास्ता भी खराब थे, जो ठीक भी करवा दिए, किसी किसी ने करवा भी दिए, काफ़ी कुछ हुआ भी है, लेकिन जो एकदम उसमें तो कस्बे तरक्की कर जाए ऐसी कोई सुविधा नहीं है। वैसे बात के लिए कोई घूमने के लिए कुछ तरह की व्यवस्था ऐसी तो होती ही नहीं कभी, खेत है बच्चों के लिए स्टेडियम, जैसे हरियाणा बहुत खेल को बहुत प्रमोट करता है हमारे क्षेत्र में, ये करता ही है सच है बात, वो नगर पंचायत का काम होता है ऐसी व्यवस्थाएं करके। बड़ा क्षेत्र है यूपी, बहुत बड़ा क्षेत्र है ना, छोटा सा इलाका है यूपी, बहुत बड़ा है। नहीं एक विचार होता है कि वो बच्चे खेल की तरफ जाए, ऐसा कुछ नशे से टूटे, तो इस तरह के पार्क स्टेडियम यहाँ है, तो जनता की सोच भी, किसी की सोच भी नहीं है ऐसी बन जाए। तो ये चेयरमैन जो लड़ रहे हैं ये बात, ये अपने लिए लड़ रहे हैं, कोई बात नहीं होती, ये अपने लिए लड़ रहे केवल, हम जो पैसे आ जाए हम खा जाओ, इसलिए लड़ रहे हैं। तो ये हमारा काम है, जब करोड़पति हो जाए। चलिए कोई एक काम बताइए आपके लिए क्या होना चाहिए कस्बे, क्या क्या हजारों काम है। चलिए कुछ तो बताइए, कोई एक दो काम बताइए। जैसे आप पब्लिक रह रही है, ये रियाई लोग हैं, बहुत पैसे वाले लोग नहीं है, कोई कोई है बीच में, लेकिन अधिकतर लोग मजदूर ही है, मजदूर करें अपना चाहे खेत में करें, दुकान पर करें, कहीं भी करें, मजदूर ही है लोग ज़्यादातर। तो ये सोचे आप सुखता से रह लें, सुरक्षित हो दुनिया में, कोई छेड़खानी न करें, परेशान न करें, तो हम सुखसुदा से रहें। ऐसी होती थी अभी होती नहीं है। चशम्बीर दोबर में यहाँ से मेंबर है चुका जी। मेंबर साहब चुनाव है कस्बे में, चुनाव है जी, क्या माहौल चुनाव का भी है? माहौल चुनाव का बहुत अच्छा है, सातवीं बार इलेक्शन चल रहा है, दो बार अरबी रह चुके, पांच बार हार चुके, जो भी इलेक्शन सातवीं योजना भी लड़ रहे इब लोग, उन्होंने अपनी जितनी उनकी वोट पर्सनल थी गठन नहीं थी, जो पहले चेयरमैन आ चुका वो अपनी अद्धी कर पाया नहीं। हरबीर किस किस निर्दलीय है या किसी पार्टी से चुनाव? बीजेपी से, फूलवाड़ी से। बीजेपी से, हाँ जी। अच्छा पिछले जो चेयरमैन रहे उनके काम कैसे रहे आपके कस्बे में? उनके भी काम ठीक रहे। सुविधाएं कैसी है कस्बे में? सुविधा तो जी सबसे सुविधा तो बढ़िया देगा बायरन, बायरन तो सबसे यहाँ चेयरमैन होया, सबसे पहले सुविधा जो हमारे यहाँ टंकी अस्पताल गाँव की सेवा सबसे ज़्यादा कर गया वो, और किसी ने नहीं, फिर गोत नहीं बुझा। इससे पहले लोग ही आ लोग इंदर ठेकेदार, उनने पाँच साल तक अपना दरवाज़ा खोल कर नहीं देखा, अब कोई जनता तेरे गांव में मरे अब या जीवे। तो आपको क्या लगता है, जैसे मैं देख रहा हूँ केवल भाजपा से ही एक राष्ट्रीय पार्टी से सिंबल पे चुनाव यहाँ है, बाकी पार्टियाँ लोकदल सपा बसपा उन कोई दिखाई नहीं दे रहा है उनके प्रत्याशी? नहीं मेरी है वो मेरी लोग है। मेरी वोट हरबीर एडवोकेट की है, वो हो या ना हो पर मैं जो क्लियर जीतता दिख रहा। अच्छा अगर नहीं जी वो हो या ना हो मैं जो क्लियर चेयरमैन दिख रहा अपना। तो आप उम्मीदवार देख रहे हैं या पार्टी को देख रहे हैं आप? नहीं हम उम्मीदवार भी देख रहे और पार्टी भी देख रहे, उम्मीदवार में कोई कमी नहीं, कोई इस परिवार में कमी नहीं, कोई उस परिवार में शराबी नहीं, मुकदमेबाज नहीं, कोई बदतमीजी नहीं, पढ़ा लिखा परिवार है, सक्षम परिवार है, उससे भी हम उस परिवार से खुश है। चलिए आप कस्बे के लिए क्या सुविधाएं ऐसी चाहते हैं जो अभी तक नहीं हो पाई है? कस्बे के लिए हम तो जो जनता जिस तक खुश हो, गरीब लोगों की सेवा हो, जैसा लड़कियों का इंटर कॉलेज है ये बने, ऐसी सुविधा चाहते हम। हम कस्बा दोगट में थे और कस्बा दोगट में हमने यहाँ, ये कस्बा दोगट का ये मेन बाज़ार है, मेन बाज़ार में हमने यहाँ आम जनता से बातचीत की, नगर पंचायत चुनाव को लेकर क्या लोगों की राय बन रही है, यहाँ अलग अलग प्रत्याशी यहाँ चुनाव के मैदान में है, लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, कुछ सुविधाएँ हैं कुछ नहीं है। तो जुड़े रहे आप CCA से, उत्तर प्रदेश तक आपको खबरें आती रहेगी। धन्यवाद। चलिए जी बहुत